हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार लतिका कट्टी जी के ऊपर और ये है प्रश्नोत्तर का वीडियो। इससे पहले मैं इनकी कला यात्रा पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, फिर प्रश्नोत्तर का वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा और एक तरह से उसका रिविज़न हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों पर प्रश्नोत्तर के उनकी कला यात्रा पर वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ मैंने क्विक रिविज़न के वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फटाफट उससे आपको कुछ क्वेश्चन जल्दी पढ़ने में ईजी होगा, और कुछ अलग अलग विषय पर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो आइए देखते हैं भारतीय समकालीन कलाकार लतिका कट जी के ऊपर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, समकालीन कलाकार लतिका कट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। इनका पूरा विस्तृत परिचय मैं दे चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार लतिका कट किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो यह भारत की समकालीन मूर्तिकार, मूर्तिकला इनका क्षेत्र है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1948 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर। मैंने आपको बताया भी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 1948 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्ति शिल्प में से लतिका कट के मूर्ति शिल्प को पहचानिए। तो इन्होंने अर्थी भी बनाया था, सती भी बनाया था, एवोल्यूशन भी बनाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी। ये तीनों मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए हैं, तो इसका आंसर है यह सभी। अगला प्रश्न है, लतिका कट की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इन्होंने पढ़ाई की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी सोलो एग्जीबिशन मुंबई में, जहांगीर आर्ट गैलरी में 1975 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 1975 में पहला इनका सोलो शो हुआ था। अगला प्रश्न है, लतिका कट ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है? तो इन्होंने 1980 से 1985 के बीच BHU, जहां से ये पढ़ी भी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई भी की थी और वहां पर अध्यापन का काम भी किया था 1980 से 85 के बीच, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लतिका कट ने किस आर्ट बिनाले का पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन आर्ट बिनाले का इन्होंने पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, लतिका कट ने किस वर्ष राम किंकर बेज का पोर्ट्रेट बनाया था? तो इन्होंने राम किंकर बेज जी का पोर्ट्रेट बनाया था 1974 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर, 1974। अगला प्रश्न है, लतिका कट द्वारा बनाया गया बेंद्रे का पोर्ट्रेट कहाँ संग्रहित है? तो इन्होंने NS बेंद्रे जी का पोर्ट्रेट बनाया था, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जिसे बोलते हैं नगमा, वहां पर संग्रहित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA में ये संग्रहित है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट द्वारा बनाई गई पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा जो ब्रॉन्ज में बनाई है कहाँ स्थापित है? तो जिन्होंने आदमकद प्रतिमा बनाई है ब्रॉन्ज की, वो है जवाहर भवन नई दिल्ली में, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट द्वारा बनाई गई जवाहरलाल नेहरू की आवक्ष प्रतिमा, देखिए यहाँ पर है आवक्ष,
ना पोर्ट्रेट साइज में जो होती है, और यह है लंदन में संग्रहित। ऑप्शन ए है इसका आंसर, इंडिया प्लेस लंदन में स्थापित है ये। अगला है लतिका कट को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1980 में। ऑप्शन सी है इसका आंसर, 1980। अगला प्रश्न है लतिका कट द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प स्टॉप द ब्लडी वॉर 2004 में जो बनाया वो उसका माध्यम क्या है? तो उसका माध्यम रहा पेपर मेशी और बांस। पेपर मेशी और बांस में इन्होंने बनाया स्टॉप द ब्लडी वॉर 2004 में। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है लतिका कट द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प जयराम पटेल ईटिंग पेन कहाँ संग्रहित है? इसका मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, यह है NGA में नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा बोलते हैं जिसे, नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है लतिका कट द्वारा निर्मित मूर्ति एगोनी का माध्यम क्या है? तो इन्होंने जो एगोनी जो मूर्ति शिल्प बनाया उसका माध्यम है फाइबर ग्लास। ऑप्शन सी है इसका आंसर, फाइबर ग्लास में निर्मित किया है इन्होंने एगोनी मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न है लतिका कट को किस वर्ष ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली थी? तो इन्हें ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली थी 1981 में। ऑप्शन बी है इसका आंसर, 1981। तो दोस्तों ये थे लतिका कट जी के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर, और कला परिचय का वीडियो भी आप ज़रूर देखें, और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।